माइनस फाइव का होल स्क्वायर, पी ए का डिस्टेंस ये हो गया, पी बी का डिस्टेंस हो गया, स्क्वायरिंग करके सोल्व कर लोगे तो आंसर आ गया। पढ़ लेगा ये फोर के बाद इन व्हाट रेशियो डज, इसमें क्या दिक्कत आई बता दे। ये बोल रहा है कि माइनस फोर कोमा सिक्स, ये इन दोनों को माइनस सिक्स कोमा टेन और थ्री कोमा माइनस एट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा रेशियो क्या मानते हैं, के टू वन मानते हैं। जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो यू टू फाइंड द रेशियो देन अज्यूम के टू वन, तो मैंने इसको रेशियो क्या मान लिया, के टू वन मान लिया। अब आपका ये एक्स का वैल्यू है तो कैसे लिखोगे, माइनस फोर इक्वल टू के मल्टीप्लाई होगा थ्री से, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स से अपॉन के प्लस, थ्री के माइनस सिक्स अपॉन के प्लस, इसको सोल्व कर लीजिए के की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया थ्री के माइनस सिक्स, तो सेवन के इक्वल टू टू आ गया, तो के का वैल्यू टू टू सेवन, तो व्हाट इज द रेशियो, टू रेशियो सेवन, तो रेशियो आ गया आपका टू रेशियो। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो देखिए बेटा, मैं मिक्स प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कि क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको चीजें समझ में आए, तो हम मिक्स प्रॉब्लम की बात करेंगे। बिल्कुल आपको जो समझना, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें हमें करना क्या है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू कोमा माइनस फाइव एंड बी माइनस टू कोमा नाइन, एंड बी माइनस टू कोमा नाइन, तो हमें पॉइंट निकालना है कि जो कि इससे इसकी डिस्टेंस पर है। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट which is equidistant from the point A 4, minus 5 and B minus 2, 4। तो बेटा x एक्सिस पर कल बताया था क्या लेते हैं पॉइंट, x कोमा जीरो, बिल्कुल सही है x कोमा जीरो। तो देखो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी पी, मान लेना लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी पी एक्स कोमा जीरो, ये आ गया पी एक्स कोमा जीरो, ये इसकी डिस्टेंस है ए टू कोमा माइनस फाइव और बी माइनस टू कोमा नाइन, बी माइनस टू कोमा नाइन, तो पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो पी ए इक्वल टू पी बी, हमें गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी, तो हम पी ए सोल्व कर लेंगे और पी बी सोल्व कर लेंगे।
तो पी ए निकाल दो, रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 18, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -8x = 81 - 25। कितना आया भाई, 81 - 25 56। हाँ सर, तो एक्स का वैल्यू आ गया -7, एक्स का वैल्यू आ गया हमारा -7, तो दे आर 4 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए -7, 0। तो हमारा एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या आ गया भाई, -7, 0। दिस इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालेंगे। क्लियर है? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव द पॉइंट, प्रूव द पॉइंट 1, -1 5, 2 and 9, 5, 5, 2 and 9, 5 are collinear, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। मुझे इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, मुझे इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। अब देखो कोलिनियर किस तरह से प्रूव करेंगे उस चीज समझो, पहले तो इनको नाम दे दो बेटा। जैसे आपका एक पॉइंट है 1, -1, a 1, -1, b 5, 2 t 9, 5 ए बी निकालो, ये आ गया 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 + 9 5। बेटा इनको आपको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा जितना निकलना, बस कोलिनियर में और किसी में जरूरत नहीं है, लेकिन कोलिनियर में आपको जितना स्क्वायर रूट से बाहर निकल रहा है उसका निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि कोलिनियर है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा 5 यूनिट, ठीक है? अच्छा आज का हुआ है ना, देखिए यार ए बी ये आ गया, अब बी सी आज किसका था, तो पहला ही पेपर था ना, 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का 2 का स्क्वायर हो गया अब 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 = 5 यूनिट, तो बी सी भी आपका 5 यूनिट आ गया। अब हम निकाल लेंगे ए सी,
नाइन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100 मतलब 10 मिनट। अब बेटा इसमें क्या होगा आपका, जब ये आपने स्क्वायर रूट, चलो यहाँ से तो इजीली स्क्वायर रूट से बाहर निकल रहा था, लेकिन नहीं निकले तब भी निकालना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट से बाहर। अब ये आ गया आपका ए सी 10 मिनट। अब किन्हीं दो का सम पी से इक्वल होगा, किन्हीं दो का सम पी से के इक्वल होगा। तो आप देखिए किन किन का सम दूसरे दो के इक्वल है, तीसरे के इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल टू ए सी। नाउ बिकॉज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर, क्योंकि इनका ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ रहा है, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर। भाई इस बार मोस्ट प्रॉब्ली, किसी बार तो मैं बाहर जाने वाला था, इस बार छुट्टी हो चुकी आपको सैटरडे लेकर, पिछली बार तो अपन ने ले ली थी क्लास, जाना था, तो हो सकता है 10 तारीख को क्यों नहीं आएगी सुबह से, 10 को क्या थर्सडे, थर्सडे मतलब ये वीक ऐसे जाएगा मेरे। चलो ये हो गया भाई कोलिनियर वाला। चलिए नेक्स्ट लीजिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ